Hi everyone. In this video, I'm going to share with you Teaching Aptitude PYQ. It is the syllabus of UGC NET exam, paper 1, general paper, and NVS, Navodaya Vidyalaya Samiti. This is the question number 42. Which of the following is most characteristics of a good teacher? Good teacher ka most characteristics kya hai? Aur wo kis cheez ko sabse zyada maintain rakhte hain? Option A, he remains objective and impersonal at all time. Impersonal means personal nahi hona. Hamesha wo impersonal nahi rehte hain. All time, matlab hamesha. Aisa possible hai kya? Aap soch kar dekhi, ek teacher ek student ke saath sabse jyada time bitata hai. Aur aisa possibility hai ki jo impersonal reh paaye. All time nahi possible hai. Sometimes it's maintained. Option B, he puts more dues then don'ts in his comments to children. वो ज्यादा सिखाता है लेकिन उस पर वो कमेंट नहीं करता है. That means वो ये जाहिर नहीं करता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ या मैं आप लोगों को इतना आर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, ये कभी नहीं बोलता है एक टीचर. तो ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग डिग्निटी वेन ही पार्टिसिपेट्स इन चिल्ड्रंस एक्टिविटी. उसको अपने डिग्निटी खोने का डर नहीं है जब वो चिल्ड्रंस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर ये नॉट नहीं दिया रहता ना तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि एक टीचर को हमेशा जो है अपने डिग्निटी खोने का डर रहता है जब वो चिल्ड्रंस के साथ ज़्यादा घुल मिल जाता है. तो चिल्ड्रंस के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का मतलब क्या है कि एक टीचर के बारे में जब चिल्ड्रन ज़्यादा जान जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो उसकी बात सुनना बंद कर देगा, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा. इसी वजह से एक टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है. तो ये नॉट की वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया. ऑप्शन डी, ही स्टिक्स टू वन एक्टिविटी एट अ टाइम एंड कंप्लीट्स व्हाट ही स्टार्ट्स बिफोर स्टार्टिंग समथिंग एल्स. वो एक एक्टिविटी एक ही टाइम पे करता है और जो स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करता है, देन उसके बाद में वो दूसरा न्यू चीजें स्टार्ट करता है. ऐसा पॉसिबल है? कभी कभी क्या होता है कि टीचर ने स्टार्ट किया और उसको बिना कंप्लीट किए दूसरा चीजें स्टार्ट करना पड़ता है इस चीजों को समझाने के लिए. ऐसा भी होता है, कभी कभी ऑनगोइंग क्लास के डिमांड के हिसाब से भी चलना पड़ता है. और ये क्या बोला, वन एक्टिविटी एट अ टाइम, एक एक्टिविटी एक ही टाइम पे किया जाता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है. So, the correct answer of this question is option number B. Thank you very much for watching this video.